स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी ओनली ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के लिए है, तो जो भी जानकारी आपको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक से चाहिए होता है आप हमारे चैनल पे आ करके देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब से रिलेटेड। चार सेगमेंट में मैं इस वीडियो को बांटा हूँ जो मैं आज बताने वाला हूँ। पहला है हैवी लॉजिस्टिक, जो कि ओडीसी हो गया या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। वैसे लॉजिस्टिक कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी जहां पे आप जॉब कर सकते हो, इसके अलावा किस किस तरह के डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है और कितना सैलरी हो सकता है। दूसरे कैटेगरी में रखा हूं मैं फुल लोड या पार्ट लोड वाली कंपनी, ऐसे ज्यादा करके इनका फुल लोड का काम है, तो वो भी मैं 10 कंपनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो फुल लोड का काम करती है। ऐसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, बट मैं 10 कंपनी की जानकारी दूंगा यहाँ पे। तीसरा है जो टेक बेस्ड लॉजिस्टिक है, जो अभी के टाइम में टेक बेस्ड लॉजिस्टिक इंडिया में लॉन्च हुए बहुत सारे पिछले 7-8 साल के अंदर, तो जो इस तरह की कंपनी है कौन कौन सी है, यहाँ पे आप किस तरह से जॉब कर सकते हो, यहाँ पे कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, ये मैं जानकारी दूंगा। इसके बाद है फ्लीट ऑनर से रिलेटेड लॉजिस्टिक कंपनी, जो कि ट्रक मालिक है इंडिया के, जिनके पास अच्छा खासा ट्रक है, जो इंडिया में अपने ट्रक चला रहे हैं, वो इसी कंपनी कौन कौन सी वो मैं 10 कंपनी बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि आज का जो वीडियो है खास करके जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप लोगों के पास किसी के पास अपना ट्रेलर है और ट्रेलर का बिजनेस करते हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे एक ट्रेलर से रिलेटेड वीडियो बनाना है, वहां पर मुझे कुछ कंफ्यूजन है जो कि मुझे आप लोगों से उसकी जानकारी चाहिए तो मैं पूछ सकूं। तो दोस्तों आते हैं अपने वीडियो पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी गुड्स का, जो कि इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है या फिर ओडीसी हो सकता है। ऐसी कौन कौन से जॉब है जो इस तरह की कंपनी में ज्यादा करके होते हैं, तो दोस्तों इस तरह की जो कंपनी होती है जो ओडीसी का काम करती है या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गुड्स का काम करती है, इन लोगों को सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एक अच्छा खासा ट्रैफिक मैनेजर, जो कि ट्रक को लगाता है। क्योंकि ओडीसी या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स जो होता है ये सारा मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है, और इनके पास कम से कम रेट में ट्रक या फिर ट्रेलर का जरूरत होता है जो प्रोवाइड कर सके, तो इनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन था ट्रैफिक गुड्स, ट्रैफिक एक्जीक्यूटिव का। और यहाँ पे सैलरी आपको तकरीबन 15,000 से लेकर के लाख रुपए तक मिल सकता है, अगर मैं बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनी की बात करूँ, जिस सारे लॉजिस्टिक कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं दोस्तों बताऊँ, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन करके रखे हो या फिर सप्लाई चेन में आपके पास MBA कर रखे हो तो भी आपके पास अच्छा खासा ऑफर है, यहाँ पे इस तरह के बंदों का ही ज्यादा करके रिक्वायरमेंट होता है। इसमें कौन कौन सी कंपनी है, इसमें सेल लॉजिस्टिक है, रेहनस लॉजिस्टिक है, इनलैंड कैरियर है, TVS लॉजिस्टिक है, प्रीमियर ट्रांसपोर्ट है, निम्बस लॉजिस्टिक है, APT लॉजिस्टिक है, GFS इंडिया लॉजिस्टिक है, सीमेंस लॉजिस्टिक और सी सेल लॉजिस्टिक। ये 10 कंपनी है जो कि हैवी गुड्स में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ऐसे और भी कंपनी है बट मैं 10 कंपनी लिया हूं अपने हिसाब से, तो ये 10 कंपनी मैं आप लोगों को बताया हूं। अब जॉब अगर आपको इस सारे कंपनियों में चाहिए होता है तो आप क्या करोगे, इनके साइट पे जाइए, आप इनका वेबसाइट होता है वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग से रिलेटेड, करेंट ओपनिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड। उस पेज को आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे करेंट ओपनिंग भी लोगों का होता है, या फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है जहाँ पे कि आपको अपना रिज्यूम अटैच करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट जो आपका रिज्यूम है वो HR डिपार्टमेंट को सेंड हो जाता है, वो लोग आपके रिज्यूम को वेरीफाई कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड उनके पास ओपनिंग होगा तो वो आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों फुल लोड कंपनी, इंडिया में फुल लोड कंपनी बहुतों है, गिनती नहीं है, छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्टर है वो भी फुल लोड कंपनी के या फुल लोड ट्रांसपोर्टर के अंदर ही आ जाते हैं। बट जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिनके पास अच्छा खासा फुल लोड का काम होता है, उनमें से है ARC लॉजिस्टिक, इनलैंड कैरियर, TVS लॉजिस्टिक, गिर लॉजिस्टिक, CCI लॉजिस्टिक्स, टॉस एक्सप्रेस, SRT लॉजिस्टिक, लीलाधर पासु, बावन लोड ऐसे गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्रा ट्रांसपोर्ट, ये 10 कंपनी है जो कि फुल लोड का काम करती है, और यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक एक्जीक्यूटिव से रिलेटेड बंदा चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चाहिए होता है ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे बंदे जो कि ट्रकों को लोड करवाते हैं, सर्वे से रिलेटेड जो कि रेट का सर्वे करते हैं, फील्ड का सर्वे करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फील्ड का सर्वे करते हैं, ट्रकों के रेट से रिलेटेड सर्वे करते हैं, तो इस तरह के बंदों का यहाँ पे ज्यादा करके रिक्वायरमेंट होता है। तो आप यहाँ पे जाकर के इस सारे प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये सारे जो कंपनीज है यहाँ पे लोग बहुत जल्दी अपना जॉब छोड़ते हैं,
तो यहाँ पे आपको ओपनिंग मिल सकता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कंपनियों में आपको जो जॉब करना है तो आपकी जो सैलरी होगी जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो या फिर ट्रैफिक जो ट्रक वाले होते हैं उनसे रिलेटेड हो, ये आपको तकरीबन 12,000 से लेकर के 40,000 से 45,000 रुपए तक हो सकती है। इससे ऊपर जाना है थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, यहाँ पे उसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट आपके पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40,000-45,000 रुपए तक सैलरी मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको 10-12,000 रुपए सैलरी आराम से मिल सकता है। तो ये है दोस्तों फुल लोड से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं टेकवेस लॉजिस्टिक, जो कि इंडिया में लॉन्च होते के साथ ही इंडिया के जॉब प्रोफाइल को चेंज किया है। सैलरी स्ट्रक्चर जो पहले लॉजिस्टिक कंपनी का होता था, जहां पे सैलरी ढुलमुल सा होता था, थोड़ा मोड़ा ही सैलरी होता था, बट ये सारे कंपनी मार्केट में आने के बाद उन सारे कंपनियों का भी सैलरी जो है थोड़ा ऊपर हुआ है। जैसे जो पुराने लॉजिस्टिक कंपनी है उन लोगों ने भी अपना सैलरी बढ़ाया, क्योंकि ये सारे कंपनी मार्केट में आया है तो इन लोगों ने अपना सैलरी थोड़ा सा हाई रखा है। तो इसमें से कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे है रिविगो है, ब्लैकबक है, ट्रक सुविधा है, पोर्टर है, ब्लू हॉर्न है, फ्रेट ओलोक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, लोड शेयर है, गो बोल्ट है, डिलीवरी और इकोम एक्सप्रेस है। ये सारे कंपनी जो है टेकवेस लॉजिस्टिक है और ये सारे इंडिया की नामी गिरामी टेकवेस लॉजिस्टिक कंपनी है। इनका अच्छा खासा बिजनेस है, इनको अच्छा खासा फंडिंग हो रखा है, तो यहाँ जो सैलरी भी आपको मिलेगा नॉर्मल किसी दूसरे लॉजिस्टिक कंपनी से यहाँ पे हायर ही मिलेगा। तो आप ये सारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। खास करके ये सारी जो कंपनी है ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करती है, तो अगर आपके पास ई कॉमर्स जैसे कंपनियों में ट्रक लगाने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आराम से जॉब पकड़ सकते हो। यहाँ पे भी 2-3 चीजों के लिए जॉब जो है हमेशा अवेलेबल होता है। पहला होता है रूट मैनेजमेंट से रिलेटेड, दूसरा होता है ट्रक लगाने से रिलेटेड, तीसरा होता है सर्विस से रिलेटेड, चौथा होता है मार्केट सर्विस से रिलेटेड, इसके अलावा वेंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे ओपनिंग जो है इससे सारे लॉजिस्टिक कंपनी में होता है। साथ ही साथ ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी में टेक से रिलेटेड, मतलब कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है ये सारी कंपनी। यहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमेशा अपडेट होता रहता है, हमेशा डिजाइन होता रहता है, तो यहाँ पे ये सारी कंपनियों का भी यहाँ पे ये सारे जॉब प्रोफाइल का भी जरूरत होता है। अगर आप यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते हो तो आपकी सैलरी तकरीबन 35-40,000 से लेकर के लाखों में हो सकती है। बट वहीं पे अगर आप ऑपरेशन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे 15,000 से लेकर के आपको लाख रुपए तक सैलरी जा सकती है। क्योंकि मुझे याद है तकरीबन 2017 की बात है, एक में बंदा हायर कर रहा था जो कि एक ब्रांच लेवल का बंदा था, ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई किया था, वो एक इसी में से कंपनी से बिलोंग करता था और उसकी सैलरी उस समय ब्रांच मैनेजर के लेवल पे 1,00,000 रुपए थी। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी जो कंपनी है अपनी कंपनी में बंदों को कितने ज्यादा सैलरी देते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आपको यहाँ से अच्छा खासा जॉब, अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों ऑन फ्लीट कंपनी, जिनके पास अपना ट्रक होता है, और यहाँ पे जिनके पास अपना ट्रक होता है उनके पास थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल जो और बढ़ जाता है। उसमें से क्या क्या है, उनके जो अपने ट्रक है उसको मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए होता है जो मैकेनिकल नॉलेज रखे, जिसके पास पार्ट से रिलेटेड नॉलेज हो, जिसके पास रूट से रिलेटेड नॉलेज हो, जिसके पास रिटर्न लोड से रिलेटेड नॉलेज हो, ऐसे सारे बंदों के लिए ये सारे कंपनी में अच्छा खासा ऑप्शन होता है, अच्छा खासा वहां पे इनको सैलरी मिल जाता है अगर इस तरह का नॉलेज है तो। इसके अलावा ये सारी कंपनी बहुत कम मार्केट से ट्रकों को हायर करती है, क्योंकि इनके पास अपना ट्रक होता है तो मार्केट के ट्रकों पे बहुत कम ही ये लोग डिपेंड होते हैं। बट ये सारी जो कंपनी मैं बता देता हूं, अगर आप चाहो तो ये सारी कंपनी में अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें से वीआरएल लॉजिस्टिक सबसे ज्यादा जिनके पास ट्रक है, तकरीबन 4,000 से लेकर के 4,200 ट्रक इस कंपनी के पास है, अपनी ट्रक है। इसके बाद है दोस्तों मिथु, जहां तक मुझे पता है 1,000 से 1,200 ट्रक इनके पास भी है। इसके बाद है मित्तल ट्रांसपोर्ट, 600 से लेकर के 700 या 750 ट्रक इस कंपनी के पास भी है। इसके बाद है दोस्तों जलान ट्रांसल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास भी तकरीबन 700 ट्रक है। इसके बाद है ATC अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके पास भी अच्छा खासा ट्रक है। इसके बाद है दोस्तों TCI ग्रुप, अटैच करती है ज्यादा करके इनके पास जो ट्रक है वो अटैच ट्रक है, तो आप इनके पास भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों सेफएक्स, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सेफएक्स आज के डेट में कहाँ पे, तकरीबन 7,500 इनके पास ट्रकों का एक बेड़ा है, ज्यादा करके इनके यहाँ अटैच ट्रक होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है। इसके बाद है रिविगो, नाम बताने की जरूरत नहीं है, इनके पास भी अच्छा खासा ऑप्शन होता है, इनके पास भी अच्छा खासा आज के डेट में ट्रक है, और ज्यादा करके जो इनके ट्रक है वो सिंगल एक्सल 20 फुट वाले ट्रक है, या फिर कुछ इन्होंने 32 फुट भी ट्रक बना रखा है।
तो ये सारी जो कंपनी है यहाँ पे आपको ट्रक से रिलेटेड जो होता है वो नॉलेज वाले बंदे का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, तो आप ये सारी कंपनी में जाकर के जॉब पकड़ सकते हो। इसके अलावा मैं नॉर्मल में मैं बात करूं लॉजिस्टिक कंपनी में जो बंदे चाहिए होते हैं, अगर बिल्टी काटने वाला बंदा है तो उसको 10,000 से लेकर के 15-20,000 रुपए तक सैलरी मिल सकता है अगर सिर्फ बिल्टी काटता है। तो अगर कोई बंदा बिल्टी काटता है और कभी कभार वो ट्रक भी लगाता है तो उसके लिए उसको तकरीबन जो है 15,000 से लेकर के 25-30,000 रुपए तक सैलरी मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो कि मार्केट से ट्रक हायर करके लगाता है, यहाँ पे जो सैलरी होता है लगभग उसको 15-17,000 से लेकर के 40-45,000 रुपए तक मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों फ्लीट से रिलेटेड अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, जो फ्लीट मैनेजमेंट से होता है, पार्ट से रिलेटेड होता है, मैकेनिकल टीम से रिलेटेड होता है, या जो रूट से रिलेटेड होता है, ये सबके लिए अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। और इस सबके लिए जरूरी नहीं है कि उस बंदे के पास कोई टेक्निकल डिग्री हो, अगर उसके पास वो सारी चीजों का अच्छा नॉलेज है तो डिग्री यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। तो दोस्तों ये था लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पे कि आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया हूँ कि अगर आपको इस सारे कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करना है तो इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको करंट ओपनिंग, ओपनिंग या कैरियर से रिलेटेड एक टैब मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, वहां पे उनका जो करंट ओपनिंग होगा वो दिख जाएगा। अगर नहीं भी है तो वहां पे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन होगा या फिर एचआर का ईमेल आईडी होगा, वहां पे आप ईमेल करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जॉब से रिलेटेड वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।